नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण, दोष दिखाने वाले को अपना शुभ चिंतक मानकर उसका आभार मानने की अपेक्षा मनुष्य जब उल्टे उस तरफ कर होता है, शत्रु मानता है, अपना अपमान अनुभव करता है, तो यह कहता चाहिए तो यह कहना चाहिए कि उसकी सच्ची प्रकृति की ओर चलने का अभी एक पैर उठाना भी नहीं सीखा। ऐसा विश्वास और सिद्धांत को अपनाइए जिसके लोक कल्याण की दशा में प्रगति होती है। उन विश्वासों और सिद्धांतों सको हृदय के भीतरी कोई में गहराई तक उतार लीजिए। इतनी दृढ़ता जमा लीजिए कि भ्रष्टाचार और प्रलोभन सामने उपस्थित होने पर भी आप उन पर डट रहे, परीक्षा देने पर एवं त्याग करने का अवसर आए तब भी विचलित न रहे। वे विश्वास श्रद्धा सुप्त होने चाहिए, प्राणों की अधिक प्यार होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। ऐसे विचार को परित्याग कर दीजिए कि साधनों के अभाव में हम किसी प्रकार आगे बढ़ सके। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधन में नहीं, भावना में है। यदि आपकी आकांक्षाएं आगे बढ़ने के लिए व्यर्थ हो रही है, उन्नति करने की तीव्र इच्छाएं बलवती हो रही है, तो विश्वास रखिए साधन आपको प्राप्त होकर रहेंगे। ईश्वर को इस बात की इच्छा नहीं कि आप तिलक लगाते हैं या नहीं, पूजा पत्र करते हैं या नहीं, वो आरती करते हैं या नहीं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रभु का कुछ भी काम इन सब के बिना रुका हुआ नहीं है। वह इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। उसकी प्रसन्नता तब प्रस्फुटित होती है अपना पुत्रों को पराक्रमी, पुरुषार्थी, उन्नतिशील, विजयी, मान, वैभव युक्त, विद्वान, गुणवान दिखाता है और अपनी रचना की सार्थकता अनुभव करता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मचिंतन की क्षण, उन्नति के लिए चाहे कितनी ही व्यक्ति सहानुभूति व्यक्त क्यों न करे, पर यह निर्विवाद है कि हमारे इससे कुछ काम न चलेगा। हमें अपनी स्थिति स्वयं सुधारनी होगी, स्वयं कठिनाइयों से लड़कर नया निर्माण करना पड़ेगा। विश्रुखलित शक्तियों जो जुटकर आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। यह बात इस समझ में आ जाए तो सफलता की आधी मंजिल तय कर ली, ऐसा समझना चाहिए। शेष आधे के लिए मनोबल जुटाकर यत्न पूर्वक आगे बढ़िए। आपका सौभाग्य आपके मंगल मिलन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मानसिक अशांति एवं ऐसा आंतरिक आंदोलन है, उसके उठने से मनुष्य का विवेक, विचार एवं ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अशांति के कारणों का निराकरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ रहता है। और यदि उद्विग्न अवस्था में कोई उल्टे सीधे करता भी है तो उसके परिणाम उल्टे ही निकलते हैं। भविष्य की आशंकाओं से चिंतित और आंतरिक कभी नहीं होना चाहिए। आज की अपेक्षा कल और भी अच्छी परिस्थितियों की आशा करना, यही वो अवलंबन है जिसके आधार पर प्रकृति के पथ पर मनुष्य सीधा चलता रह सकता है। जो निराश हो गया, जिसकी हिम्मत टूट गई, जिसकी आशा का दीपक बुझ गया, जिसके अपना भविष्य अंधकारमय दिखाना पड़ता है, वह तो मृत्यु समान है। जिंदगी उसके लिए बार बन जाएगी और वह काटे नहीं कटेगी।
देवत्व हमारी आवश्यकता है, दुष्ट प्रवृत्तियों से भय लगता है, पवित्रता हमें प्रिय है और पवित्र आशा से दुख मिलता है, निष्कलंकता से सुख मिलता है, छल और कपट के कारण जो सक्रिय स्वभाव बनता है इसके अपमान मिलता है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सार्थक है, वही आत्मा है और उसी को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। जब इस तक बात को समझ नहीं लेते कोई भी समस्या हल नहीं होते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।